Hello friends, welcome back in our YouTube channel, Love to Learn. The Earth Station of Doordarshan Kendra, inaugurated in Gorakhpur. दोस्तों जैसे कि आप सभी को आज टाइटल से ही पता चल गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि जो दूरदर्शन केंद्र है वो गोरखपुर में इनॉग्रेटेड किया गया है आज और किसके द्वारा ये इनॉग्रेटेड किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी के अनुराग सिंह ठाकुर जी, एंड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। आप सभी जानते ही हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। इनॉग्रेटेड अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र एट गोरखपुर, इन दोनों के हेल्प से, इन दोनों के द्वारा यानी कि एक अर्थ स्टेशन किया गया है, इनॉग्रेटेड किया गया है कहाँ पे, गोरखपुर में। द अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र एट गोरखपुर। 3FM स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो वर आल्सो इनॉग्रेटेड वर्चुअली ऑन दिस ओकेजन, यानी कि 3FM स्टेशन को भी आपको इनॉग्रेटेड किया गया है। इनॉग्रेटेड मतलब होता है उद्घाटन किया गया है वर्चुअली ऑन दिस ओकेजन, यानी वर्चुअली यानी कि बोले तो आपको एक होता है कि हम किसी स्थान पर जाके उस चीज़ का उद्घाटन करते हैं वर्चुअली, विद द हेल्प ऑफ हम लोग वीडियो कॉलिंग ले सकते हैं, फिर किसी भी टाइप की जूम मीटिंग को ले सकते हैं, उसके थ्रू इसका इनॉग्रेशन किया गया है। दिस विल बी द सेकेंड अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन इन उत्तर प्रदेश एंड इट इज़ बींग बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ ₹7 करोड़। दोस्तों जैसे आप सभी को पता होगा कि एक और है हमारे देश में जो दूरदर्शन केंद्र है जो कि यूपी में ही है, और ये दूसरा दूरदर्शन केंद्र है जो कि आपको स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में, और जिसको बनाने में लगभग कॉस्ट पड़ा दोस्तों ₹7 करोड़। तो दोस्तों आगे हम लोग जान लेते हैं कि अर्थ स्टेशन क्या है और क्या इसका वर्किंग है। दिस अर्थ स्टेशन विल इनेबल द प्रोग्राम जनरेटेड एट द लोकल लेवल टू बी टेलीकास्ट लाइव थ्रू DTH अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि दोस्तों जो इसका मेन वर्किंग है क्या है कि जो भी लोकल फंक्शन है, मान लीजिए कोई फंक्शन हो रहा है और उसको आप क्या करना चाहते हैं कि आपका जो फंक्शन है लाइव दिखाया जाए पूरे विश्व के अनेक भागों में, अलग अलग भाग में। तो जो इसका मतलब ये है कि दोस्तों देखिए, जो अर्थ स्टेशन है इसमें क्या होता है कि आपका जो भी फंक्शन है, जो भी लाइव फंक्शन चल रहे हैं उसको विद द हेल्प ऑफ DTH के माध्यम से विश्व के अनेक भागों तक पहुंचाना और लोगों को दिखाना। द अर्थ स्टेशन एट दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर विल बी ए बून टू लोकल भोजपुरी आर्टिस्ट एज दे हैव बीन डिमांडिंग इट फॉर ए लॉन्ग, यानी कि दोस्तों इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट गोरखपुर के उन लोकल कलाकारों को मिलेगा, भोजपुरी आर्टिस्ट को मिलेगा, यानी कि जो बहुत टाइम से इस चीज़ का डिमांड कर रहे थे कि हाँ उनका जो भी कार्यक्रम है, जो भी विश्व के, जो भी भारत के अनेक भाग हैं वहाँ तक यानी कि दिखाया जा सके, ताकि उनकी जो मीन्स उनके अंदर का जो टैलेंट है वो पूरे देश के सामने आए। 3FM स्टेशन एट ऑल इंडिया माफ़ कीजिएगा, 3FM स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो वर इनॉग्रेटेड टूडे आर एट, यानी कि दोस्तों जो 3FM स्टेशन आपको पूरे ऑल इंडिया रेडियो के लिए आपको इनॉग्रेशन किया गया है वो कहाँ कहाँ किया गया है, इटावा, लखीमपुर खीरी एंड बहराइच डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपको यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं ये तीनों। दी एडिशन ऑफ दीज FM स्टेशन विल फर्दर इन्हेंस द रिच ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एस्पेशली इन द इंडो नेपाल बॉर्डर एरियाज, यानी कि दोस्तों इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि विद द हेल्प ऑफ दिस जो FM रेडियो है आपको जो भी इंडो नेपाल बॉर्डर के एरिया है वहाँ तक भी इसकी पहुँच ईजिली हो जाएगी। सो होप आई दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। और हाँ, मैंने जो स्टडी मटेरियल यूज़ किया है वो currentaffairs.adda247.com से किया है, और इस लेक्चर का PDF यदि लेना चाहते हैं तो चैनल आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को जाइए, ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा। थैंक यू।